अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, सरकार से जो बातचीत हुई थी, जो वायदे हुए थे, सरकार वायदों पर क्या खरी उतर रही है? देखिए, खरी तो उतर रही है, लेकिन स्लो प्रोसेस है। जो वादे किए थे, जिन जिन वादों के, नौकरियों के तो वादा पूरा हो गया है। मुआवजे का वादे का इस बार इस हफ्ते का कहा कि सबका मुआवजा भी क्लियर हो जाएगा। और केस क्योंकि कोर्ट में है, कुछ चीज़ें हम लोग नहीं कहना चाहते। बाकी जिन अधिकारियों ने जाट समाज की ऐंठ निकालने की कोशिश की थी, उनकी खुद की ऐंठ निकाल दी सरकार ने। तो बाकी चीज़ें जो कोर्ट में केस है, उसके लिए भी हमने सरकार से कहा कि भाई अटॉर्नी एप्लीकेशन लगाए कि जज साहब जल्दी उसका निर्णय दें, और नहीं तब तक अल्टरनेट बनाए कि भाई जाटों के एडमिशन किस तरह हो सकते हैं, किस तरह जाटों की नौकरियों में अल्टरनेट क्या अरेंजमेंट है। तो उसके लिए भी सरकार ने वादा किया कि हम इसी हफ्ते कोई निर्णय लेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जिस पर सरकार चल रही, लेकिन प्रोसेस ढीला है, और उस ढीले प्रोसेस की वजह से थोड़ी बहुत समाज में नाराजगी है। सांसद राजकुमार सैनी ने रोहतक में एक रैली की है, उसमें मंच से ये कहा गया कि कबीलाई कानून जो है वो हरियाणा में लागू हो चुका है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत ज़्यादा है वही ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, और सरकार दबाव में काम कर रही है। पहली बात तो ना तो सरकार दबाव में काम कर रही, ना हमारा कोई कानूनी जो अधिकार है सरकार उसको देने का प्रयास कर रही। दूसरी बात, राजकुमार सैनी को शायद ये नहीं पता कि जो सैनी को आरक्षण मिला, गुजर को आरक्षण मिला, यादव को आरक्षण मिला, ये सब आरक्षण देवीलाल जी ने गुरनाम सिंह आयोग की वजह दिलवाए थे, जो राजनीति के तहत 94 में जाट का ख़त्म कर दिया और 5 अन्य जातियों का। मंडल कमीशन के तहत हरियाणा में सैनी को भी आरक्षण नहीं मिला था। और जिस तरह की वो बात करता है, जो उसकी महत्वाकांक्षा है, और जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं जिसमें वो गया था, ये भी मैं दुर्भाग्य ही मानता हूँ कि जब वो जिस कार्यक्रम में गया, और वो शक्ति का प्रतीक कार्यक्रम है, परशुराम के फरसे को नमन करने जब वो गया था, चक्रवर्ती सम्राट भी, तो ये सब चीज़ों पे मुझे एक ऐसा लगता है कि एक ऐसा जानवर हरियाणा में घूम रहा है, और बुलाने वाले उससे भी बड़े जानवर है कि परशुराम के दिवस पे उसको, ऐसे महापुरुष के दिवस पे ऐसे जानवर को बुला के उस समाज को और परशुराम जी का भी अपमान करने का काम उन्होंने किया, जो समाज को तोड़ने वाले हैं, और वो ऐसे लोगों को वे बुला रहे हैं। लेकिन क्योंकि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण ही वो भाषण देता है इस तरह के। बाकी उसकी, उसको 60 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी, अगर उसमें इतनी घृणा थी तो 20-21 साल में, 25-30 साल में आदमी को अकल आ जाती है, जब आरक्षण पहले मिला था 90 में, जब ही विरोध कर लेता। चलिए, साफ तौर से यहाँ पर यशपाल मलिक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो वायदे किए थे समझौते के वक्त, वो पूरे जरूर हो रहे हैं, लेकिन रफ्तार काफी कम है, और यही वजह है कि उनके समाज में इससे काफी निराशा आ रही है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।